कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो जाएगा। इतना प्यारा ये वजीफा है। और अगर आपके दिल में सच्ची मोहब्बत है, सच्ची उसकी इज्जत करते हैं, चाहत रखते हैं, ना कि कोई दुश्मनी निकालनी है या नुकसान पहुंचाना है, तो फिर आपको पता है इसका जो है उल्ट भी हो सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, अच्छे के लिए आप जो है इस वजीफे को कीजिएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, वजीफों का इस्तेमाल बिल्कुल अमल की तरह किया करें। तो अगर आप इजाजत ले लें तो फिर ये अमल कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिए। अब आपने जो है, मैं जो जिस तरह आपको बताऊंगी उस तरह आप ये अमल कीजिएगा, बहुत प्यारा अमल है। सबसे पहले आपने 1100 मरतबा आपने मतलूब को, यानी जिसको आप मुसखर करना चाहते हो, जिस प्यारे को मुसखर करना चाहते हो, उसका तसव्वुर पे ला कर, तो उसके जैसे दिमाग होता है ना, मतलब कि माथा, ठीक है, या दोनों आंखें या माथा, वहां पर आपने उसके ऊपर दम करना है, ठीक है, तसव्वुर में लाकर। हाँ, अगर आपके पास कोई तस्वीर है तो तस्वीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप तसव्वुर में लाकर जो है तब भी ये कर सकते हैं। 11 दिन तक आपने कुछ, आप बिल्कुल भी बेशक रब्ता ना करें, कुछ भी ना, 11 दिन तक बस आपने ना वो अमल करना है। और रात ईशा के टाइम पढ़ना है, दिन पीर का हो तो मोतबर है, और अगर इतवार हो तब भी मोतबर है। इन चीजों का, दिनों का भी ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। और आपने क्या करना है, अमल करते वक्त बात नहीं करनी है, बोलना नहीं है, बावजू करना है। जिस दिन आप पहला दिन मुकर्रर जगह की है उसी दिन आप अमल करेंगे, जो टाइम आपने मुकर्रर किया है उसी टाइम आप अमल करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मतलूब के दिल में इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि आपकी सोच है, ठीक है ना। और आपने, आप जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने 1100 मरतबा पढ़ना किया है, ठीक है, 1100 मरतबा आपने, देखिए एक आयत मुबारक है, ठीक है, सूरह अनाम की आयत नंबर 45, फकूतिया दुआबिरु कौमिल्लज़ीन सलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ठीक है, ये आपने पढ़नी है। आप कुरान पाक में भी इसको देख सकते हैं, बस आपने मतलब कि ना बहुत दिल लगा के इसको पढ़ना है। जितनी आपकी तलब तड़प चाहत है उतनी जल्दी आपका काम होगा। लेकिन इजाजत जरूरी है, हमसे जरूर रब्ता कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ करेंगे और आपका साथ देंगे। अगर कोई भी मसला है, कोई परेशानी है, कोई दुख तकलीफ है, किसी भी किस्म का, तब भी हमसे जरूर रब्ता करें इंशाल्लाह।